खेतों में बोई हुई फसल आमतौर पर पकने के बाद उसे काटकर उपयोग किया जाता है, लेकिन दमोह जिले के हटा ब्लॉक के जंगलों में रहने वाले भील समाज के लोग राजस्थान की परंपरा का अनुसरण करते हैं। पके हुए अनाज की पहले पूजा की जाती है, जिसके बाद उसे पकाकर खाया जाता है। बिना फसल की पूजा किए यहाँ के ग्रामीण अन्न का एक दाना भी उपयोग में नहीं लेते, जो परंपरा बीते 40 वर्षों से आज भी जीवित है। हमारे यहाँ पर मक्का की खेती होती है और इन खेती को हम 3 महीने तक पकती है और इसके बरसात होती है, बरसात पर ही निर्भर है। हमारे यहाँ पर पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ना लाइट की है ना सिंचाई की है। और यहाँ पर हम सभी मिलके अनाज को बड़ा होने के बाद खाने लायक होता, जब हम इंद्र भगवान, महादेव जी एंड इष्ट देवताओं की पूजा करके फिर हम हमारी मक्के की पूजा करते हैं। वहाँ पर हम एक स्थान बना करके उसके अंदर थाली दिया जला के और गणेश को भी रख करके हम पूजा करते हैं। देखो साहब, हमारे अंदर किसी को कोई पीड़ा हो गई है, बीमार हो चुका है, वो ये नागबरास का स्थान है। यहाँ पर हम पूजा करते, हवन करते, हवन के साथ में नागमराज से हम माफी मांगते हैं भगवान की, उसमें हमारे को शांति मिलती है। कभी जैसे इंद्र देवता बारिश नहीं आया, उनके लिए भी हम हवन करते हैं, वो काम हमारा यहाँ से होता है। और मक्का की पूजा अभी आज से घर घर मक्का की पूजा चलती है, वो सब यहाँ स्थान ऊपर आकर धोनी के अंदर हवन करता है, वो हमारा काम सत होता है। पूजा के बाद आज पूजा हो जाएंगे, हम सुबह से काम में ले सकते उसको खाने के लिए, पहले नहीं ले सकते, पहले खा नहीं सकते, नहीं खा सकते सब, पूजा खाएंगे बाद में। किस देवता की पूजा करते हो आप? हम नागमराज की करते हैं, भगवान इंद्र भगवान की, इंद्र देव की।